अगला सवाल पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। बताया गया लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम द नल पॉइंट ऑन इट इज फाउंड टू बी 1000 सेंटीमीटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर इज। कहा गया है कि जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर में ये प्राइमरी सर्किट होता है ना, ये प्राइमरी सर्किट होता है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है और ये बैटरी लगाया गया 5 वोल्ट का और 20 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब बैलेंस पॉइंट आता है तो यहाँ से करंट जीरो हो जाता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा बैलेंस स्टेट में, लेकिन इधर से करंट नहीं जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब जब इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जीरो। तो जो भी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर ये बैलेंस लेंथ था, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए। टोटल लेंथ बताया गया है कितना, 1200 सेंटीमीटर। तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर जो है वो 5 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 5/1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1200 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आ जाएगा 5/1000 इंटू 1200, ये आ जाएगा 6 वोल्ट, है ना। तो ये हो गया 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस है R और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, करंट यहाँ का बताया गया है 60 मिली एम्पियर, पोटेंशियोमीटर वायर से 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू R। R क्या है, इसका रेजिस्टेंस है पूरे वायर का, तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पर, है ना। तो ये आ जाएगा, देखेंगे यहाँ से 100 ओम, है ना। तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आया 100 ओम।